नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आज मैं फिर आपको एक खबर से रूबरू कराने आया हूँ। पिछली बार जो हमने आपको खबर दिखाई थी उसमें 40 साल की महिला ने एक पति को मौत के घाट उतारा था। आज जो खबर दिखा रहा हूँ उसमें 45 साल की महिला है और उसके प्रेमिका ने, जो प्रेमी था उसने प्रेमिका को मौत के घाट उतारा है। तो आज नई खबर है और ये खबर क्या है वो मैं आपको बता दूँ। आपने सुना होगा, 4 दिन पहले जंगल में एक महिला जिसका नाम शाहजहाँ बताया जा रहा था उसकी लाश मिली थी। तत्काल प्रभाव उसमें इसरार द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया और कार्रवाई शुरू हो गई। कार्रवाई शुरू होने का मतलब, जब ज्ञान में आया कि किन किन लोगों ने इसे मारा तो पता चला शाहजहाँ का प्रेम चल रहा था, जो इसका प्रेम चल रहा था किसी युवक से, और वो युवक इसकी हत्या करके फरार हो गया। उस युवक का क्या नाम है और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे तो बता दूं आपको, तस्नीम नाम का व्यक्ति था जो शाहजहाँ का मर्डर करके बेंगलोर फरार हो गया था। तस्लीम ने शाहजहाँ का मर्डर क्यों किया, ये आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा। तो मर्डर करने का जो मुख्य कारण था वो ये था, तस्लीम की जो बीवी थी नन्ने, उसको पता चल गया था कि मेरा पति किसी महिला से लगा हुआ है। उसका शक दूर करने के लिए तस्लीम ने और उसकी जो पत्नी है और उसकी माँ खातून और पत्नी नन्ने, इन्होंने बैठ के एक योजना बनाई कि जो शाहजहाँ है उसको कैसे अपने रास्ते से हटाया जाए, ताकि और जो तस्लीम है उसने शक दूर करने के लिए एक योजना बनाई और शाहजहाँ को जंगल में बुलाया फ़ोन करके, वहाँ उसका मर्डर करा, गोली मार के उसकी हत्या कर दी और बेंगलोर फरार हो गया। अब उसको क्या पता था, बिजनौर में नीरज कुमार जादौन SP हैं जो अच्छी जांच करते हैं और जांच में उसी जेल भेजते हैं जो आरोपी होता है, ना कि कोई ऐसा मामला अभी तक सामने आया है कि जिसने कोई काम कराना हो वो जेल गया हो, जिसने अपराध करा वही जेल जा रहा है इन 7 महीनों में, जब से SP नीरज कुमार जादौन ने चार्ज लिया है। अब SP नीरज कुमार जादौन ने 3 टीमें लगाई, पता चला कि तस्लीम मर्डर करके बेंगलोर फरार हो गया। तत्काल प्रभाव मुकदमा लिखा गया, तस्लीम को गिरफ्तार किया गया। तस्लीम ने गिरफ्तार होते के साथ ही उसने बताया कि मैं अपनी पत्नी का शक दूर करने के लिए मैंने ये मर्डर जो किया है इसकी एक योजना बनाई और इस योजना में मेरे साथ मेरी पत्नी नन्ने और मेरी माँ खातून शामिल है। अब पुलिस ने जांच शुरू की और जांच में तीनों को दोषी पाया और आज तीनों को एक साथ पुलिस ने जेल भेजा और बड़ी कार्रवाई की। लेकिन इस कार्रवाई से दोस्तों आपको क्या दिखता है, मतलब ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी क्योंकि ये कार्रवाई ज़रूरी थी, क्या इसमें महिला हो या जेंट्स हो, कोई किसी की हत्या नहीं कर सकता। एक 45 साल की महिला, ये भी किसी की बेटी, किसी की बहन और किसी की औलाद तो थी। और हकीकत यह है कि अगर कोई मर्डर करता है तो 302 की कार्रवाई तो उसको होगी, लेकिन होनी उसी पर चाहिए जो इसमें दोषी है। तो पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई और बड़ी जिम्मेदारी के साथ साफ मर्डर का जो खुलासा था बिल्कुल साफ कर दिया, क्योंकि मर्डर जो हुआ है प्रेम प्रसंग की वजह से हुआ है। तस्लीम प्यार करता था, शायद उसको मना कर देता तो प्यार मोहब्बत तो ख़त्म हो जाती, मर्डर करने की क्या वजह थी। और अगर मर्डर करा तो अब तस्लीम जेल जा रहा है और अपने पूरे परिवार को जेल लेके जा रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं आपसे बार बार अपील करता रहता हूँ, आपको हमारा चैनल आपको कैसा लगता है एक बार ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि आपको मैं हर खबर से रूबरू कराता रहूं और समझाता रहूं कि हत्या का कारण क्या है, हत्या हुई किस वजह से है, या कोई भी ऐसी खबर तुरंत आपको हम दिखाते हैं। तो आपका भी हक बनता है दोस्तों इसको शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का। धन्यवाद दोस्तों।